भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले ऐतिहासिक डे नाइट टेस्ट मैच में सभी की नजरें गुलाबी गेंद पर रहेगी। दोनों देशों के क्रिकेटरों ने यह पहला टेस्ट मैच है जब वो गुलाबी गेंद से खेलेंगे। ऐसे में यह गेंद कितना स्विंग लेंगी, कैसा व्यवहार करेंगी, इसको लेकर उत्सुकता है। बहरहाल बांग्लादेश और भारत की टीमें 22 नवंबर को ईडन गार्डन के मैदान पर अपने क्रिकेट इतिहास का पहला डे नाइट मैच खेलेंगी। डे नाइट प्रारूप में इस्तेमाल किए जाने गेंदों को गुलाबी गेंदों के पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसे तैयार करने में नियमित कुकाबुरा गेंद की तुलना में करीब 8 दिन का समय लगता है। नियमित टेस्ट में सफल रंग की कुकाबुरा गेंदों का इस्तेमाल होता है। एसजी गेंदों यानी सेंसपैरिलीज ग्रीनलैंड क्रिकेट गेंदों की भारतीय खिलाड़ी खासा पसंद करते हैं और भारत रणजी ट्रॉफी में इसका इस्तेमाल करती है। एसजी ब्रांड को उत्तर प्रदेश की मेरठ में 1950 में इन गेंदों का निर्माण किया था। गुलाबी गेंदों की बात करें तो नियमित गेंदों की तुलना में काफ़ी अलग होती है और इस एक गेंद को तैयार करने में कारीगरों को 8 दिन लगता है, जबकि आम गेंदों को 2 दिन में तैयार होते हैं। इन गेंदों को मुख्य रूप से मशीनें के बजाय हाथों से तैयार किया जाता है और इसमें उपयोग होने वाली चमड़ा भी विदेश रूप से आता है। PM News 24 की रिपोर्ट।